So, दोस्तों दुनिया भर में बहुत सारी गाड़ियां आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन यहां पर 2022 में भी टाटा मोटर्स और महिंद्रा की एंड सुजुकी की बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च होने वाली मिड साइज एसयूवी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही, उसके बड़ा सबसे बड़ा रीज़न है यार, मतलब वैक्सीन हमें लग चुकी थी और हमारी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। बट अब रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे, तो आप लोग चैनल पे जरूर बने रहना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना। देखता हूँ कितना इंडिया को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो भी कार में इंटरेस्ट रखते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये पहली गाड़ी की बात करें तो यहाँ पर महिंद्रा की आपने XUV700 तो देख ही ली है, लेकिन ये अपकमिंग अभी फिर से हो चुकी है, क्योंकि जितने लोगों के पास है उतने लोगों के पास ही ये गाड़ी रहने वाली है। उसके अलावा आप सभी लोगों को ये 2022 में ही देखने को मिलेगी। एंड दूसरी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जो कि दे दनादन बिकते चली जा रही है, लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि मतलब ये क्यों बिक रही है। इसका रीज़न भाई ये पॉलिटिक्स में आती है, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो रही है, चाहे इसका एडवेंचर मॉडल हो, टॉप वेरियंट मॉडल हो या फिर बेस मॉडल हो, तीनों मॉडल काफ़ी अच्छे तरीके से बिकते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2022 में आप लोगों को इसका नया वेरिएंट देखने को मिलेगा। और अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं वीडियो में। अभी महिंद्रा की बात हम लोगों ने कर ही ली, एंड इसी के साथ महिंद्रा की एक और गाड़ी आ रही है XUV300, उसके बारे में कुछ ही चर्चित हुए हैं, बट कह नहीं सकते कि ये गाड़ी आ ही जाएगी, बट कुछ परसेंट कह सकते हैं कि गाड़ी आ भी सकती है मार्केट में, क्योंकि देश की दिग्गज कंपनी महिंद्रा काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बना रही है। और अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की, देश की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स की, द इंडियन कार मैन्युफैक्चर कंपनी टाटा मोटर्स विल बी कॉम्पैक्ट SUVs। एंड उसी के साथ चलते हैं, अब शुरू करते हैं। और टाटा की अगर हम पहली गाड़ी की बात करें तो 2022 में सबसे पहले आने वाली है टाटा की आप सभी लोगों की फेवरेट, जिसको आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और उसका नाम है टाटा ब्लैकबर्ड। एंड उसी के साथ आप सभी लोगों के यहाँ पर टाटा की पंच के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे भली बात ही, और यहाँ पर इसके बहुत सारे मॉडल आ चुके हैं, और इसकी शॉर्टेज टाटा मोटर्स को भी बहुत ही ज़्यादा खली है, क्योंकि यहाँ पर इस गाड़ी की सेलिंग जितनी हुई है हमें नहीं लगता कि टाटा की इतनी गाड़ियाँ कोई भी सेल हुई होंगी। यहाँ पर टाटा पंच, टाटा एल्ट्रॉस, टाटा सफारी, टाटा हैरियर, इन सब की सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है इंडिया में। एंड इसी के साथ महिंद्रा की गाड़ियाँ भी सेलिंग हुई हैं। और दूसरी गाड़ी की वहीं बात की जाए तो टाटा की नैनो आने वाली है 2022 में, बट ये कैसी है कैसी नहीं है वो तो आगे चल के पता ही चलेगा यार वीडियोज़ में, और देखते हैं जैसे ही आएंगे तो आप सभी लोगों को पता चली जाएंगे। एंड टाटा ने, देश की दिग्गज कंपनी टाटा ने बहुत जल्द ही EV में भी कदम रख दिया था, बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर शायद टाटा पंच भी आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगी EV में, बट ऐसा पॉसिबल है या नहीं है वो तो टाटा कंपनी ही जानती है। एंड बहुत लोगों को कमेंट आता है कि टाटा पंच क्या आप CNG में करवा सकते हैं, तो वो तो अब आप ही जाने यार, मतलब कंपनी जाने कि CNG में हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, बट इस कमेंट को यहीं पर एंड करते हैं यार, मतलब अब इस कमेंट के बारे में मैं क्या ही बोलूं। और अब बात करते हैं कोरियन कंपनी मारुति सुजुकी के बारे में, लेकिन यहाँ पर मारुति सुजुकी की 5-स्टार रेटिंग कार जिसका नाम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है S-Cross, और वो 2022 में आने वाली है नया मॉडल मिड साइज SUV, काफ़ी बेहतर होने वाली है, MG Aster Glaster की तरह यहाँ पर कॉपी की गई, बट यही कह सकते हैं कि कॉपी नहीं है यार, कुछ चेंजेस तो होने वाले हैं इन गाड़ियों में, तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होने वाला है इन गाड़ियों में। बिकॉज सुजुकी में बहुत सारी गाड़ियाँ आप सभी लोगों ने देखी होंगे, जैसे कि हम बात करें बलिनो की या फिर कह दें सुजुकी की, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यार, क्या ही बोले। कोई भी कंपनी बुरी नहीं है, सेलिंग जैसे ही गाड़ियों की बढ़ती है सभी गाड़ियाँ सेल होती हैं, ऐसा नहीं है। भारत में मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा हैं, और ऐसा नहीं है टाटा को पीछे छोड़ दिया, महिंद्रा को पीछे छोड़ दिया, सभी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस से हैं, बट यहाँ कह सकते हैं कि टाटा की जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। एंड वहीं हम किसी कंपनी की बुराई नहीं करेंगे, सबकी क्वालिटी ठीक ही है, मतलब चलती है, बट टाटा मोटर्स और महिंद्रा की कुछ ज़्यादा हाई होती है। चलते हैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपकमिंग इतनी सारी गाड़ियाँ आने वाली हैं इसके बारे में क्या राय है तो कमेंट कर देना, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।